आज हम एसके के न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा मंदिर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, माता रानी के आधे शरीर वाला मंदिर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में स्थित है माता रानी के अर्ध शरीर वाला मंदिर, जो कि जालौन मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर स्थित है। यह जंगलों के बीचों बीच यह मंदिर, जिनको लोग जालौन की माता के नाम से जानते हैं, यह मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना यह मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। जो भी भक्त इस मंदिर में अपनी मनोकामना करता है, वो मनोकामना उसकी पूरी होती है। इस मंदिर का निर्माण कुंती के पांचों बेटों के द्वारा की गई थी। जब महाभारत के बाद पांचों पांडव अपना राज पाठ छोड़ के जंगल की ओर चले थे, तो काफ़ी समय साल जंगलों में घूमते घूमते वो जालौन के कंझारी जंगल में पहुँचे, जहाँ से यमुना नदी का किनारा था। नदी का किनारा देख वह विश्राम करने लगे। फिर उसी जंगल में उन्हें एक लड़की का आधा शरीर मिला, जो कि स्त्री के 16 श्रृंगार के हुए थे। उन्होंने उसकी स्थापना कर अर्ध माता का नाम दिया, और काफ़ी समय बीत जाने के बाद उस मंदिर का नाम जालौन की माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माता की असीम कृपा से कि किसी को भी पुत्र प्राप्ति हुई तो किसी को शादी, इस प्रकार सभी की मनोकामना पूरी होने लगी। इस प्रकार उस मंदिर में जो भी जाता था वो खाली हाथ नहीं लौटा। माता रानी का यह वैभव देख दिन प्रतिदिन लोगों का लगा उस मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लोगों को बढ़ते देख प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पुलिस की लोगों के बढ़ते देख प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पुलिस चौकी का निर्माण करा दिया। वहीं जालौन के SP डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि नवरात्र के चलते सभी देवी के मंदिरों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही जो जनपद के प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे मंदिर में आने जाने वाले लोग पर नज़र रखी जा सके, जिसे दर्शन को आए लोगों को दो कतरों में लगाया गया है, जिसमें एक कतार महिलाओं की होगी। मंदिर की मान्यता है कि मेरी मम्मी यहाँ आती थी, जब हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी यहाँ आती थी, तो उन्हें मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि माँ ने उनकी सब सुनी है, और उनके जो हमारे भाई है ना, भाइयों को लेके आती थी मम्मी यहाँ पे, तो उन्हीं की देन है, माँ की ही देन है वो लोग। हाँ, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, हम लोगों के देखते हुए इतना सारा सब कुछ हो गया है। पहले यहाँ बिल्कुल छोटा सा मंदिर बना हुआ था, और वो भी देवी माँ की मूर्ति भी नहीं थी यहाँ पे। माँ की जो है, मंदिर की क्या विशेषता है? माँ की बहुत विशेषता है, माँ जो है यहाँ जो भी मन्नत मांगो वह मन्नत पूरी होती है। आपने ऐसी कोई मन्नत मांगी थी? जी हाँ, हमने जो है मन्नत मांगी थी कि यदि हमारा अब कोई जो है काम है वो हमारा पूरा हो गया, इसलिए हम माँ के दर्शन करें। इसके हिसाब से 287 जगह दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। जो तहसील के मुख्यालय हैं वहाँ पर संख्या ज़्यादा है अपेक्षाकृत, बाकी जगह कम है संख्या। जो भी बड़ी दुर्गा प्रतिमाएं हैं, जहाँ जहाँ पंडाल लग रहा है, वहाँ व्यवस्थापकों से मिलकर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुष्ट करने का निर्देश दिए गए हैं। जितनी भी कमेटी मेंबर्स हैं उनमें 10 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पते ये एकत्र किए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ वॉलंटियर्स के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बड़े पंडालों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन, CCTV की व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था, इसके अलावा वहाँ पर पुलिस ड्यूटी की ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जा रही है।